फतेहाबाद में बढ़ती चोरी की वारदातों से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूर्य एनक्लेव में मंगलवार देर शाम को घर से 17 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवर व 2 एप्पल घड़ी चोरी हो गए। चोरी की इस वारदात को उसी घर में काम करने वाले नेपाली युवक ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर दिया। चोरी की यह वारदात घर व आसपास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। चोरी की यह घटना शहर के प्रमुख समाज सेवी रहे स्वर्गीय कालिदास नागपाल के पुत्र नरेश नागपाल के घर पर हुई। नरेश नागपाल के अनुसार मंगलवार को छुट्टी थी और परिवार के सभी लोग थिएटर में मूवी देखने गए हुए थे और उनका नौकर तेजेंद्र घर पर था, जो कि घर में ही बने सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। नरेश नागपाल ने बताया कि फिल्म के इंटरवल के समय जब हॉल में ही बैठकर मोबाइल पर घर के सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो पाया कि घर का मेन गेट खुला हुआ है और अंदर की लाइटें बंद है, जिसके बाद उन्होंने कमरे के सीसीटीवी फुटेज को देखा तो उनके होश उड़ गए। कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ था। इसके बाद वह तुरंत घर पहुंचे तो लॉबी के गेट के लॉक टूटे मिले और अंदर सारा सामान बिखरा मिला। घर में काम करने वाला तेजेंद्र ओली भी गायब था। अलमारी में रखे करीब 17 लाख रुपए और काफी मात्रा में सोने के जेवर भी गायब थे। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। घर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो सामने आया कि आरोपी युवक तेजेंद्र अन्य युवकों को बुलाकर बैग में सामान देकर भेज रहा है और इसके बाद वह खुद फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिस व्यक्ति ने तेजेंद्र को यहां नौकरी के लिए रखवाया था उससे भी पूछताछ की जा रही है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए हैं।